निसान मैग्नाइट का एशियन एनसीईएपी में क्रैश टेस्ट हुआ था, जहां पे इसने 4 स्टार स्कोर किए हैं। तो अभी इसकी पूरी डिटेल आ चुकी है हमारे पास, तो पूरा वीडियो देखना, एंड में आपको मालूम चल जाएगा जो क्रैश टेस्ट हुआ वो क्या इंडियन मॉडल का था और क्या क्या उसमें फीचर्स थे, सारी कुछ डिटेल आपको मालूम चल जाएगी। गाइज अगर आपको नहीं पता तो निसान मैग्नाइट एक इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और देखते ही देखते विद इन 1 मंथ इसकी 30,000+ बुकिंग हो चुकी है, मतलब बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन गाइस ये है कि ये सबसे कम प्राइस की है। अगर आप देखो तो जो इसका लॉन्च ऑफर में प्राइस थी वो थी 4.99 लाख, मतलब 5 लाख रुपए में आपको एसयूवी मिल रही थी, हालांकि अभी इसकी प्राइस 50,000 रुपए से बढ़ गई है बेस वेरिएंट की, तो अभी ये स्टार्ट होती है 5.49 लाख से, फिर भी आज के टाइम पे भी बहुत ही अफोर्डेबल है। मतलब आप देखो ना 5.5 लाख रुपए में आपको सब 4 मीटर एसयूवी मिलती है, जहां पे दूसरे ब्रांड के 7 लाख या 8 लाख से स्टार्ट होते हैं, वहां पे निसान मैग्नाइट मात्र 5.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और बेसिक सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, मतलब आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो निसान मैग्नाइट के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बेस मॉडल को भी एक्सप्लेन किया है, तो आप चैनल को विजिट करो, वहां से देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। तो गाइस एशियन एनसीईएपी में क्रैश टेस्ट हुआ था निसान मैग्नाइट का, जहां पे इसने 4 स्टार स्कोर किए थे। आई होप आपको ये न्यूज पता लग गई होगी, अगर हम निसान मैग्नाइट में इंटरेस्टेड हैं तो आपको न्यूज कहीं ना कहीं से पता लग गई होगी। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो भी करी थी, लेकिन तब हमारे पास डिटेल नहीं थी कि आज जो मैग्नाइट का क्रैश टेस्ट हुआ था वो इंडियन कार थी या किसी दूसरी कंट्रीज के लिए थी, क्योंकि निसान मैग्नाइट अभी कुछ ही टाइम में कुछ और दूसरी एशियन कंट्रीज में लॉन्च होने वाली है, लेकिन अभी हमारे पास पूरी डिटेल आ गई है। तो सबसे पहले आपको बताऊं तो निसान मैग्नाइट ने एशियन एनसीईएपी में एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 5 स्टार स्कोर किए हैं, मतलब 50 में से 39.02 का स्कोर था, लेकिन चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए इसने 16.31 स्कोर किए हैं 25 में से आउट ऑफ 25, जहां पे ये 4 स्टार, मतलब एडल्ट के लिए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है एशियन एनसीईएपी में और चाइल्ड के लिए 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। अभी डिटेल में आगे बढ़ते हैं, तो जो यहाँ पे जिस कार का टेस्ट हुआ था वो इंडोनेशियन स्पेक्स के साथ था, मतलब जो एशियन एनसीईएपी में मैग्नाइट का टेस्ट हुआ वो इंडोनेशियन मैग्नाइट थी, लेकिन गाइस ध्यान आप ये रखो कि मेड इन इंडिया कार थी, मतलब वो इंडोनेशिया में सेल होगी लेकिन जो प्रोडक्शन है कार का वो इंडिया में ही हो रहा है। तो यहाँ पे अपन ये मोस्ट लाइकली ये लेके चल सकते हैं कि बिल्कुल वही इंडियन वाली ही कार रहेगी। भी आप वीडियो देखो एंड में आपको सारा कुछ क्लियर भी हो जाएगा। यहाँ पे अगर एडल्ट सेफ्टी रेटिंग को ब्रेक डाउन करूँ मैं, तो जो फ्रंट में मतलब स्टैंडर्ड कार जो थी उसमें फ्रंट में डुअल एयरबैग था, सीट बेल्ट रिमाइंडर था और सीट बेल्ट वगैरह सब प्रॉपर लगा हुआ था। तो यहाँ पे एडल्ट की सेफ्टी रेटिंग मैंने बता दी 5 स्टार थी, जहाँ पे ड्राइवर और पैसेंजर के हेड और अपर लेग्स और फिट में अच्छी प्रोटेक्शन थी, मतलब हेड प्रॉपर सेफ था, अपर लेग्स भी सेफ थे और फिट भी सेफ था, लेकिन फ्रंट से जब कोलैप्स हुआ है, मतलब फ्रंट से इंपैक्ट करने के बाद ड्राइवर का चेस्ट थोड़ा सा वीक प्रोटेक्शन के साथ था, लेकिन साइड इंपैक्ट में ड्राइवर का चेस्ट भी सेफ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट इंपैक्ट में ड्राइवर के चेस्ट में थोड़ी सी वीकनेस पाई गई, लेकिन साइड इंपैक्ट होता है तो पूरी तरफ से ड्राइवर और पैसेंजर सेफ रहता है, इसीलिए इसको यहाँ पे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। और इसी के साथ गाइज क्रैश टेस्ट के दौरान मैग्नाइट की बॉडी स्टेबल पाई गई। गाइज आप याद करो कुछ ही टाइम पहले ग्लोबल एनसीईएपी में सेल्टॉस का क्रैश टेस्ट हुआ था, जहाँ पे उसने स्कोर तो घटिया किए ही थे, साथ ही साथ में बॉडी भी अनस्टेबल पाई गई। यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नाइट एक बहुत ही अफोर्डेबल है, लोग बहुत लोग इसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि बॉडी कमज़ोर है ऐसा है, लेकिन आप देख सकते हो इतनी अच्छी रेटिंग है और साथ ही साथ में बॉडी भी बहुत ही स्टेबल रही, क्रैश टेस्ट में इम्पैक्ट के टाइम पर बॉडी अनस्टेबल नहीं हुई। यहाँ पे चाइल्ड ऑक्यूपेंस की बात करें तो चाइल्ड के लिए यहाँ पे जो क्रैश टेस्ट हुआ इसमें आपको फीचर्स में आइसोफिक्स मिल जाता है चाइल्ड सीट माउंट के लिए, इसने स्कोर किए 16.3 आउट ऑफ 25, मतलब यहाँ पे एक 3 ईयर्स ओल्ड डमी रखा गया जो कि फॉरवर्ड फेसिंग था, उसके लिए अच्छी प्रोटेक्शन थी, वहाँ पर प्रोटेक्शन की कमी थी, मतलब 3 साल का बच्चा पीछे बैठाया गया जिसका जो फेस था वो फ्रंट की तरफ था, तो उसकी प्रोटेक्शन अच्छी थी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 18 मंथ ओल्ड रिवर्स फेसिंग चाइल्ड बैठाया गया, जहाँ पे थोड़ा सा फ्रंट इम्पैक्ट के टाइम उसकी जो सेफ्टी थी वो थोड़ी सी वीक मिली। ओवरऑल यहाँ पे इसको 4 स्टार मिलते, मतलब 3 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड के लिए फ्रंट फेसिंग में कोई दिक्कत नहीं है, 18 मंथ में रियर फेसिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई है, इसलिए यहाँ पे इसको 4 स्टार मिले। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नाइट कितनी सेफ है, चाइल्ड के लिए भी सेफ है, एडल्ट के लिए तो 5 स्टार एशियन एनसीईएपी में, जो कि एशियन एनसीईएपी भी टफ होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी होता है इसमें अच्छा रेट स्कोर करना या अच्छा रेट लेके आना, तो उसके साथ देख सकते हो मैग्नाइट कितनी सेफ है। और हाँ, ये जो क्रैश टेस्ट हुआ ये स्टैंडर्ड सेफ्टी के साथ हुआ, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडोनेशियन स्पेक्स के साथ थी, तो गाइज इंडोनेशियन स्पेक्स में जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड फीचर्स हैं वो वहाँ पे मिलते हैं ABS, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर और ECS।
यही सेम फीचर आपको इंडियन स्पेक्स में मिलते हैं। मतलब अगर आप मैग्नाइट का इंडियन मॉडल देखते हो तो उसमें भी ABS, EBD और सीट बेल्ट रिमाइंडर, ये सब बेसिक फीचर्स मिलते हैं। हालांकि जो ESC है वो टर्बो में स्टैंडर्ड होता है, तो एक फीचर यहाँ पे मिसिंग है। और बाकी इस मैग्नाइट के अगर आप टॉप एंड में जाते हो तो बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि 360 कैमरा, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी एड ऑन हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर आप स्पेक्स को देखते हो तो जो इंडोनेशिया में मैग्नाइट के स्पेक्स हैं वही सेम स्पेक्स आपको इंडियन मैग्नाइट में मिलते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं ये बोल सकता हूँ कि जो क्रैश टेस्ट यहाँ पे इंडोनेशियन स्पेक्स का आया, लगभग उतना ही रिजल्ट अपने इंडियन मैग्नाइट का है। मतलब अपनी इंडिया की मैग्नाइट भी सेफ है, आप कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है ना गाइस, आप देखो इंडोनेशिया में बेची जा रही लेकिन जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही हो रहा है, मतलब मेड इन इंडिया मैग्नाइट का ही क्रैश टेस्ट हुआ है। मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि इंडिया के लिए कुछ वीकनेस रखी जाएगी या जो भी है, बट हाँ आप ये मान सकते हो कि अभी सेफ है, रिजल्ट आपके सामने है। गाइस आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आप अभी निसान मैग्नाइट को कंसिडर करोगे कि नहीं। हालांकि इसी सेम प्लेटफॉर्म पर अभी रेनो की काइगर भी आने वाली है, तो उसको भी देखते हैं वो कैसी रहती है, उसके ऊपर वीडियोज आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो सही लगा लाइक करो, शेयर करो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।